नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट एंड वायरल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2025 के एग्जाम में धुआंधार तरीके से प्यारे बच्चों ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस ना करें आज की इस लेक्चर्स को। आज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि अगले बार यानी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस, यानी 30 नंबर क्वेश्चंस तक हमने पार्ट वन में देखा था और पार्ट टू में हम लोग फिर से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। तो 31 नंबर क्वेश्चंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? प्यारे बच्चों देख सकते हैं 2015 के एनुअल और 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 6 बताइएगा। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सुपर फास्ट तरीके से आना चाहिए, ताकि सभी का आंसर यहाँ पर मैं सीन कर पाऊँ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो इसका जो आंसर होता है वो याद करके जाएंगे, 6 अंग होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशास्त्रीकरण आयोग कब बना? 2017 के एनुअल, 2015 के एनुअल और 2021 के एनुअल एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ऑलरेडी देख सकते हैं कि 3 साल जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसी विश्वास के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं। वायरल मान के चलिए, VBI एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशास्त्रीकरण आयोग कब बना प्यारे बच्चों? ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है और ये जो है 1952 याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा ये क्या होगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये वे सारे क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऑलरेडी, और आपके चैप्टर से MBBI सेलेक्टेड उठा के लाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे? ये थे ट्रिगियर लाई। ऑप्शंस नंबर प्यारे बच्चों ए जो होगा इस प्रश्न का 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का प्रयास करेंगे। राजकुमारी अमृत कौर है या महारानी एलिजाबेथ है या विजय लक्ष्मी पंडित है या एनी बेसेंट है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन है प्यारे बच्चों? 34 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शंस नंबर सी जो होगा 100% करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है। 35 नंबर सवाल कि G77 में शामिल है, G77 सम्मेलन एक प्रकार का होता है, इसमें कौन सा देश शामिल है? 2016 के एनुअल, 2021 के बोर्ड मॉडल सवाल है। 2016 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और 2021 का तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद है कि ये आपके 2025 वाले एग्जाम में भी रामबाण साबित होने वाला है। तो G77 में जो शामिल है प्यारे बच्चों वो विकसित देश है, क्या है? विकासशील, क्या होगा यहाँ पे? विकासशील देश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विकसित नहीं होगा, क्या होगा? विकासशील देश होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी अंग बताइए। 2016 और 2020 के सॉरी 21 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है और 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि आप स्टडी विथ रवि से ऑलरेडी करके जाएंगे। तो उम्मीद के साथ जुड़े रहें, लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखें। सभी क्वेश्चंस आपके NCERT आधारित है और उम्मीद है कि सभी बोर्ड अब NCERT को फॉलो करता है, ये भी आपको पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अंग क्या महासभा होता है, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो महासभा होता है। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? महासभा। ऑप्शंस नंबर ए यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। चलिए, किस देश ने, याद रखें, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाज्ञा का प्रयोग किया? 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाज्ञा का प्रयोग किया? अमेरिका, रूस, चीन या फ्रांस? 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो सभी का आंसर राइट आना चाहिए और उम्मीद है कि सभी का आंसर ऑप्शंस नंबर ए भी आ रहा होगा, अमेरिका बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा।
सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ये 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए, ताकि हमें लगे कि आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 वर्ष होगा, याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कौन जो है प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, WTO, WHO, यूनिसेफ या यूनेस्को? ये सभी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में फिर से इस प्रश्न को दोहराया जाएगा, तो ऑप्शंस नंबर ए के साथ जाएंगे और बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शंस नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया, ये 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो रूजवेल्ट, चर्चिल, नेहरू या स्टालिन? प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण और MBBI साबित होगा। मैं बार बार इस प्रश्न को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि सभी के सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया, 40 नंबर क्वेश्चन, रूजवेल्ट, याद रखें ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य है, 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और पूछा क्या जा रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश जो है सदस्य है। प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे, तो 193 याद रखेंगे, ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, ये 2017 का सवाल है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व क्या महासभा पर है, सुरक्षा परिषद पे है या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पे या महासचिव पे है? याद रखें विश्व में शांति बनाए रखने का जो दायित्व होता है वो किस पर होता है, तो सुरक्षा परिषद पर होता है, याद रखें ऑप्शंस नंबर बी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ये 2017 में ऑलरेडी आपके PYQ में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा तो वांशिकटन बताएंगे, ऑप्शंस नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शंस नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, ये सवाल भी काफ़ी घातक साबित हो सकता है, तो याद रखें USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया, जो कि ऑप्शंस नंबर डी में ऑलरेडी दिए गए हैं। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों की कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो विश्व व्यापार संगठन कहते हैं हम इसको, बिल्कुल ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखें ऑप्शंस नंबर प्यारे बच्चों ए राइट आंसर होगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, 2016 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा प्यारे बच्चों याद रखने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को, 1948 याद रखें ऑप्शंस नंबर डी इस प्रश्न को 100% श्योर माने और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण होगा। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो बच्चों के अधिकार के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ है, क्या है, यूनिसेफ, याद रखिए ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि दो ध्रुविता का क्या अर्थ है, ये 2015 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। दो ध्रुविता का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, तो दो ध्रुविता का अर्थ होता है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व, यानी ऑप्शंस नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या थाईलैंड? तो कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, 51 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए भारत का बिल्कुल नहीं है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, तो दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ,
प्यारे बच्चों, बावन नंबर क्वेश्चन का जो सवाल आ रहा है वो बांग्लादेश आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और अभी बांग्लादेश का हाल बुरी बला है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ पे है? ये 53 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों 53 नंबर जिनेवा, याद रखिए। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान का मूल देश किस देश के है? तो बान की मून जो है ये किस देश की है? याद रखिए दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है प्यारे बच्चों? दक्षिण कोरिया, चांग चुंग जो नाम से जाना जाता है, जिसका भाषा हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? 2012 के ऑलरेडी एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल। एमनेस्टी का मतलब ही होता है क्या? मानवाधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है? तो मानवाधिकार जो संगठन है, 56 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा कि हमने 55 नंबर क्वेश्चन में देखा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, शायद रिपीटेड हो सकता है जिनेवा, याद रखिए, लेकिन ये रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश की सुरक्षा परिषद ने किया प्यारे बच्चों? 58 नंबर क्वेश्चन है, और आज की इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टोटल के टोटल इस PDF में 60 क्वेश्चन थे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर देंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले सब्जेक्ट के साथ अगले क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।